हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लिपकार्ट से आप अपने रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट पे फुल रिफंड कैसे ले सकते हैं। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन उसे भी हिट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्लिपकार्ट पे आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले उसके रिफ़ंड, रिटर्न, एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। मैंने भी एक ईयरफोन ऑर्डर किया था जिसमें रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन आ रहा था। मैंने इसे पहले नहीं पढ़ा था तो मैं इस वीडियो में यही दिखाऊँगी कि मैंने उस प्रोडक्ट को कैसे रिफ़ंड किया है। तो आपको सबसे पहले करना होगा कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया उसको आप रिप्लेसमेंट में डाल दीजिए और उस प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट आने का वेट कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस उसी के बाद होगा। तो जब आपका रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाए तो उसके बाद आपको फिर से फ्लिपकार्ट पे जाना है, माय ऑर्डर्स पे जाना है। देन आपने जो अपना प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट एक्सेप्टेड और मुझे आज ये डिलीवर्ड हो चुका था प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट वाला, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको इसमें रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको फिर से इस पर रिटर्न रिक्वेस्ट डालना है। आप रिटर्न रीज़न फॉर रिटर्न लिखिए, जैसा मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँ आप वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर साउंड क्वालिटी इज़ लो, इस पर मैंने क्लिक किया है ऑप्शन। फिर मैं अपने कॉमेंट्स में भी लिख दूँगी कि साउंड क्वालिटी इज लो। आप इसी टाइप से इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए तो आपका 100% रिफ़ंड अमाउंट आ जाएगा। देन इसके बाद आप खुद देखिए कि रिफ़ंड का ऑप्शन आ चुका है। पहले ये रिप्लेसमेंट का आता था बट अब ये रिफ़ंड का ऑप्शन आ रहा है और जितना अमाउंट मैंने दिया था ये मुझे उतना ही रिसीव हो रहा है और ये मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी किया है तो आपका फिर भी बैंक अकाउंट में ही अमाउंट रिटर्न आएगा। मैंने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया है तो आप देख सकते हैं रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएटेड हो चुका है। एक बार रिटर्न रिक्वेस्ट डालने के बाद फ्लिपकार्ट का रिटर्न एग्जीक्यूटिव आएगा और वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न ले जाएगा। देन आपको 5 से 7 डेज़ के बीच में अमाउंट आपका रिसीव हो जाएगा, फुल अमाउंट। इसमें 5 to 7 डेज़ लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस टाइप से ही अपने रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को रिफ़ंड करवा सकते हैं, अपना फुल अमाउंट वापस ले सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।